कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वेव ऑनलाइन स्टडी में। हमारे पिछले पार्ट में आपने देखा था इम्परेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो के इस पार्ट में मोडल ऑक्सिलरीज के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज अ मोडल ऑक्सिलरी। मोडल ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी का ही दूसरा पार्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मोडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी मैंने आपको पहले बताया है, मोडल ऑक्सिलरी ये होते हैं प्रेजेंट टेंस में कैन, पास्ट टेंस में उसी को हम कुड कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में मे, पास्ट में हम उसी को माइट कहते हैं, प्रेजेंट में शुड, पास्ट में हम शुड के साथ हैव का यूज़ करते हैं एंड थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, बाकी इन सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। मस्ट पास्ट में भी मस्ट और प्रेजेंट में ऑट टू, लेकिन पास्ट में ये नहीं होता है। इसका डिटेल में हम किसी दूसरे वीडियो में आपको समझाएंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मोडल ऑक्सिलरीज वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो इनके रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। एज यू कैन सी एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। एम ए स्टैंड्स फॉर मोडल ऑक्सिलरी, एम स्टैंड्स फॉर मोडल, ए स्टैंड्स फॉर ऑक्सिलरी। सब्जेक्ट के बाद मोडल ऑक्सिलरी, देन बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय एन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मोडल ऑक्सिलरी, नॉट, बी, थर्ड फॉर्म, बाय एन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको मोडल ऑक्सिलरी, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन थर्ड फॉर्म, देन बाय एन ऑब्जेक्ट। अब बचता है शुड हैव। केवल ये एक ऐसा ऑक्सिलरी है जिसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसके लिए अलग से एक रूल है जो मैंने यहाँ अलग से लिख रखा है। सब्जेक्ट शुड हैव बीन का इसमें यूज करेंगे, इसमें बी का यूज नहीं करेंगे, बीन का यूज करेंगे, देन थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर देखते हैं सेंटेंसेस और एग्जाम्पल के थ्रू कि इसको एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। होप आप सबने रूल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाते हैं कि मोडल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप कैन देखकर समझ जाएंगे कि ये एक मोडल ऑक्सिलरी वाला सेंटेंस है। मे, कुड, शुड, दीज ऑल आर द सेंटेंसेस विद मोडल ऑक्सिलरी। पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है नित्यानंद, कैन मोडल ऑक्सिलरी है, इम्प्रूव वर्ब है और योर इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्ट है। पहली पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो योर इकोनॉमिक्स को हम सब्जेक्ट बना देंगे, योर इकोनॉमिक्स। अब रूल के अकॉर्डिंग यहां पर मोडल ऑक्सिलरी आएगी जो कि है कैन, फिर बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इंप्रूव्ड, बाय नित्यानंद। सब्जेक्ट योर इकोनॉमिक्स हो गया, नित्यानंद वहां जाकर ऑब्जेक्ट बन गया, कैन को हमने कैन ही रहने दिया, बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कैन को कुड कर देते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है जबकि ये एक्टिव एंड पैसिव है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सेकेंड सेंटेंस में वी मे फिल दिस फॉर्म, इसमें मे मॉडल ऑक्सिलरी है, वी सब्जेक्ट है, दिस फॉर्म इज ऑब्जेक्ट और फिल इज अ वर्ब, दिस फॉर्म को हम इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे, मोडल ऑक्सिलरी मे, देन बी, देन थर्ड फॉर्म और वी उधर जाकर अस में चेंज होगा। तो देखा आपने कितना आसान है इसको एक्टिव से पैसिव बनाना। तीसरा, शी कुड नॉट अक्रॉस द रिवर, कुड शोज दैट दिस इज द पास्ट टेंस, तो शी इज द सब्जेक्ट, द रिवर इज द ऑब्जेक्ट, अक्रॉस इज द वर्ब, कुड इज मोडल ऑक्सिलरी, बट दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट है सेंटेंस में, तो दिस रिवर, द रिवर को सॉरी हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर मोडल ऑक्सिलरी, फिर नॉट, फिर बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हम सब्जेक्ट को यहां से ले जाकर वहां लिख देंगे जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय हर, तो द रिवर कुड नॉट बी क्रॉस्ड बाय, अक्रॉस्ड बाय हर। लास्ट सेंटेंस में शिवानी शुड फॉलो द लॉकडाउन,
इसमें शिवानी इज द सब्जेक्ट, द लॉकडाउन इज ऑब्जेक्ट, शुड इज मॉडल ऑक्सिलरी एंड फॉलो इज द वर्ब. लॉकडाउन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. शुड को मॉडल ऑक्सिलरी है शुड, फिर बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय शिवानी. बहुत आसान है देखा आपने कि केवल अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप कितनी आसानी से एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अभी आपने देखा कि मॉडल ऑक्सिलरी के सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं. आइए कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. इस सेंटेंस में देखिए शुड हैव का यूज किया है, जिसका मैंने अलग से एक रूल आपको बताया था. स्वाति शुड हैव कॉल्ड यू, तो इसमें यू ऑब्जेक्ट है और स्वाति सब्जेक्ट है, शुड मॉडल ऑक्सिलरी है, कॉल्ड थर्ड फॉर्म वर्ब है. अब आइए इसको यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. शुड हैव बीन एज द रूल सेज, कॉल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, इसको हम कॉपी कर देंगे एज इट इज बाय स्वाति. You should have been called by Swati. इसमें देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे इसको आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सेकेंड, ये ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी से, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे लेकिन पैसिव वॉइस में. तो सबसे पहले हम कैन को कैन ही लिखेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, कैन माय प्रॉब्लम. बी सॉल्व का थर्ड फॉर्म, कैन माई प्रॉब्लम बी सॉल्व बाई यू, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था मॉडल ऑक्सिलरी का. तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, दे मस्ट अवॉइड गैदरिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन. इसमें दे सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी है, अवॉइड वर्ब है, गैदरिंग ऑब्जेक्ट है और वो प्रेडिकेट. तो गैदरिंग ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी, इसके साथ बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसके बाद हम सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे और ड्यूरिंग लॉकडाउन वैसा ही है. और लास्ट सेंटेंस, मे आई यूज योर सेल फोन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें मे ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी. तो मे जब स्टार्टिंग में आ रहा है सेंटेंस, यानी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव जब बनाएंगे तो भी मे स्टार्टिंग में ही आएगा. तो मे योर सेलफोन, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. फिर हम बी का यूज करेंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे और आई को हम उधर ले जाएंगे. देखा आपने कितने आसान तरीके से हम एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत है हमें रूल्स को याद करने की. तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आपको कुछ और स्पेशल तरह के एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन सिखाएंगे. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम समय समय पर आपको अपडेट्स देते रहें. धन्यवाद.